आप देख सकते हैं जो बाईपास रोड पर ये स्ट्रीट लाइट के खंभे लगे हुए हैं, इनमें जो है करंट बताया जा रहा है 2-3 दिन से। और यहाँ पर जैसे ही सर उंडा वाले मिस्त्री हैं वो भी बता रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक सुअर आया था, अभी उसको भी करंट लगा है रोटी खाने के लिए, और दूसरी तरफ एक लड़के को भी कल करंट लगा है। तो यहाँ पर दो लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो मिस्त्री जी पहले तो आप बताइए कि यहाँ पर करंट आपने इससे पहले भी कभी देखा है क्या? सबसे पहले मैं TVN न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। ये है ना जो इसमें करंट आया, अभी सूर आया इसके पास, सूर ने मुंह लगाया रोटियों के लिए, उसके लगा जब ही करंट लगा उसके बहुत ज़्यादा, और वो वापस मतलब मरे तो है नहीं, वापसी आया एकदम चिंगाड़ मारी पूरी जबरदस्त। अच्छा हाँ, तो उससे पहले भी आपने कोई देखा है? मैं लड़का कह रहा था वो परली साइड में भाई करंट आ रहा है, उसमें अंकल करंट आ रहा है, कम रहता है ऐसे कंपन थी इसमें बंदे में लड़के में। क्या मांग करते हैं आप? मैं ऐसे इसको दोबारा इसको देखा जाए, टेस्ट किया जाए भाई किस तरह के भाई है कि नहीं करंट इसमें, पूरी इसकी छानबीन होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं और भी हमारे टवाणा वासी भी साथ में। सर क्या नाम है आपका? मेरा अभिमन्यु है सर। तो आपने क्या देखा सर आप भी यहाँ? मैं अभी मोटरसाइकिल ठीक कराने आया हुआ था, तो मैंने देखा कि एक सूर आया, सूर ने आके यहाँ पर पोल के पास रोटी पड़ी हुई थी। अच्छा, रोटी पड़ी हुई थी, रोटी के लिए उसने मुंह लगाया, मुंह में उसके जैसे ही पोल के लगा एकदम उसने सूर ने चिंगाड़ मारी है, और दोबारा रोटी के लिए उसने मुंह नहीं कराया, यहाँ से चला गया वो। तो क्या लगता है जैसे यहाँ पर कई बच्चे वगैरह भी आते जाते हैं, तो ये तो खतरनाक बच्चों वाला भी है, पशु और कोई मुंह लगा ले पशुओं का भी तो है ना। तो क्या मांग करते हैं कि इस बंदी भाई जो भी पोल है या तो इन पूरे के पूरी स्ट्रीट लाइट भी जगनी चाहिए, टोटल सारी स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है ना, कोई नगर पालिका यहाँ पर कोई वो कर रही है भाई आके ना इनको चेक किया जाए। और दूसरा नंबर हमारे सारे टोटल जब से सीवरेज बने हुए हैं आज तक कोई सफाई नहीं हुई है, गंदगी कोई निकाली नहीं है, अंदर सीवर ब्लॉकेज है, और जब बरसात का पानी आता है तो यहाँ पर ढेरों पानी इकट्ठा हो जाता है 2-2 फुट के आसपास, समस्याओं का अंबार है, मतलब मकानों के अंदर पानी चला जाता है सारा, ये प्रशासन की बहुत गलत। तो पहले तो लाइट यहाँ जलती नहीं थी, अब जलने लगी है तो करंट आने लगे। हाँ, ये दो ही लाइट जग रही है और तो कोई जगह नहीं रही, बाकी तो बंद है, बाकी बंद है लाइटें, कोई प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो आप देख सकते हैं, और हम चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे कि संबंधित विभाग जल्द से जल्द इसको चेक करे। ये बाईपास रोड पर आप देख सकते हैं पतंजलि प्लेवे स्कूल के पास, और ये यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं हिसार होंडा से जो मिस्त्री, इन्होंने भी देखा 2 दिन पहले भी एक लड़के को करंट लगा। इसके अलावा यहाँ पर टोहाना वासी आए हुए हैं, जैसे आपने बात की, इन्होंने भी मतलब बताया है कि एक सुअर अब जो है ये देखिए ये रोटी खाने के लिए यहाँ पर जब आया तो उसे तेज करंट लगा, जो चिल्लाता हुआ वापस लौट गया जैसे कि यहाँ पर बताया है। तो हम अपील करेंगे कि टोहाना जो संबंधित विभाग है नगर परिषद है वो इन स्ट्रीट लाइटों का संज्ञान ले, ये स्ट्रीट लाइटों में करंट क्यों आ रहा है, अगर आ रहा है तो तुरंत इसका समाधान करे, ताकि कोई बड़ा हादसा यहाँ पर ना हो, कोई बच्चा वगैरह या कोई भी इसके टच में आए तो बहुत बड़ा यहाँ पर जो हादसा हो सकता है, क्योंकि घटना घट सकती है, करंट आ सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, ये पतंजलि प्लेवे स्कूल है, बाईपास रोड है, ये देखिए स्ट्रीट लाइटें आगे वाली बंद है लेकिन ये चल रही है, इसमें करंट है, और इसके आगे है जो लाइट है दो, इनमें भी करंट बताया जा रहा है कल एक लड़के को लगा है। तो अपील करेंगे TVN न्यूज़ के माध्यम से कि इन पर ज़रूर गौर किया जाए और जल्द इनको चेक किया जाए।